छतरपुर जिला चिकित्सालय प्रबंधन ने दोपहर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों से जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने सुझाव लिए गए। इस पर पत्रकारों ने मरीजों के आने के लिए एक गेट व जाने के लिए दूसरा गेट निर्धारित करने की मांग रखी। इसी प्रकार एम्बुलेंस वाहन के आने के लिए एक गेट और जाने के लिए दूसरा गेट निर्धारित करने की मांग रखी, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। वहीं दूसरी ओर ओपीडी में डॉक्टर्स की ड्यूटी चार्ट लगाने, मरीज के साथ अटेंडर रहने की अपील की। साथ ही अस्पताल में सुरक्षा गार्ड बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का सुझाव दिया। इसको लेकर सीएमएचओ डॉक्टर विजय पथेरिया ने कहा कि पत्रकार वार्ता में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने सुझाव आमंत्रित किए गए पत्रकारों से मिले, साथ ही मीडिया से सहयोग की अपेक्षा की गई। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल अहिरवार ने कहा कि सिविल अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मीडिया बंधुओं से सुझाव आमंत्रित किए हैं, उन पर जल्द ही अमल किया जाएगा। और हमारी तरफ से जो भी जो हम सुविधाएँ देते हैं उसमें सुधार के लिए आप लोग को सभी को बुलाया गया था कि जिला चिकित्सालय में ग्रामीण अंचलों से जो आए हुए मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनसे आप लोगों के माध्यम से सहयोग की अपील करते हैं कि डॉक्टरों स्टाफ के साथ व्यवहार बनाए रखें। और हम ये भी इसलिए बुलाए थे कि आप लोगों से हमारे अस्पताल की कुछ कमियाँ हैं उसके लिए हम दूर करेंगे। और हमारा जो स्टाफ है उससे भी हम निर्देश देंगे कि अच्छा व्यवहार करें मरीज के साथ, क्योंकि पीड़ित लोग जिला चिकित्सालय में आते हैं ऑलरेडी परेशान रहता है और उसके साथ सद्भावनापूर्वक मानवीय दृष्टिकोण के उनके साथ सही व्यवहार करें, सही उनको हम बताएं कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा डॉक्टर मिलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग बुलाई थी जो आप लोगों के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि सभी जिला चिकित्सालय में सभी समुचित व्यवस्था करने की कोशिश करें। ये हमारी प्रशासन की और पत्रकार बंधुओं की सौजन्य भेंट थी, जिसमें हम लोगों ने अपने जो विचार थे वो आप लोगों के सामने रखे हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि अगर अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आती है तो आप लोग बेशक हम लोगों को बताइए, हमसे शेयर कर दीजिए और जगह जगह पे हमें सुझाव भी दीजिए, और अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हमें बताएँ और हम उसको सॉल्व करेंगे।